नमस्कार, आज हम बनाएंगे मैंगो श्रीखंड। महाराष्ट्र और गुजरात में श्रीखंड को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। श्रीखंड के कई फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि केसर पिस्ता श्रीखंड या फिर राजभोग श्रीखंड, लेकिन गर्मियों में खासकर आम्रखंड को ज़्यादा पसंद किया जाता है। आम्र मीन्स आम और खंड मीन्स चीनी, मतलब आम्रखंड। मैंगो श्रीखंड ये ऐसा डेजर्ट है कि आप इसे छील करके खाइए या फिर पूरी के साथ भी आप इसे खा सकते हो। जैसा मन हो वैसे आप इसे खा सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो श्रीखंड, जो आप घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं आम्रखंड आसान तरीके से। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। तो चले बनाना शुरू करते हैं मैंगो श्रीखंड। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम, हमने हंकर ले लिया है इसके लिए मैंगो श्रीखंड के लिए। उसमें लिए शुगर पाउडर एक बाउल ले लिया, एक कम है, एक बाउल हमने लिया है मैंगो फल, इलायची पाउडर, केसर और पिस्ता गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले हम एक बाउल में हंकर ले लेंगे, ये हंकर ले लिया हमने, इसको हम अच्छे से फेटेंगे। ये जो दही है ये 1 लीटर के आसपास था, घर का बना हुआ है। इसको क्या है, एक कपड़े में हमने बांध के रखा था, उसमें का पूरा पानी निकल गया। 7-8 घंटे या आप ओवरनाइट भी रख सकते हो, जैसा है सब पानी निकल गया तो ये इतना रह गया है, इतना 500 ग्राम के लगभग है। अब इसमें हम डालेंगे, इसको अच्छे से फेटना है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो, जो मैंगो लिया था उसको काट के इसका एक हमने ऐसा इसका प्यूरे बना लिया। अब इसमें हम डाल के इसको अच्छे से फेटेंगे, एकदम स्मूथ ऐसे हमें फेटना है, बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए। मैंगो जो मैंगो है ये आपका जो फेवरेट है वो आप इसमें ले सकते हो, जो भी आपका मनपसंद मैंगो है। तो इसी तरह से जैसे हम सब मैंगो इसमें ये पल्प ले लेंगे मैंगो का। अब इसको अच्छे से हमें फेटना है, इसको जितना आप फेटोगे उतना आपका मैंगो श्रीखंड अच्छा बनेगा। देखिए इसी तरह से इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, ये देखिए ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम डालेंगे शुगर। जब भी आप मैंगो श्रीखंड बनाते हो तो आप इसमें पाउडर शुगर ही लीजिए, इससे क्या होगा इसमें बहुत जल्दी से ये घुल जाएगी और बहुत अच्छे से एक एक बहुत अच्छे से बन जाएगा ये। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, इलायची पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले मैंगो, मैंगो का भी फ्लेवर है, इलायची का भी फ्लेवर, ये देखिए कितने अच्छे से फेट आए इसको। अब इसमें हम डालेंगे केसर, केसर आप थोड़े से दूध में केसर ले लीजिए। अगर आपको श्रीखंड थोड़ा सा कैसा चाहिए, गाढ़ा चाहिए, तो आप इसमें दूध मत डालिए, थोड़ा सा ही दूध डालिए। लेकिन अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए उस तरीके से आप रेसिपी के। देखिए अब हमारा ये रेडी है बिल्कुल मैंगो श्रीखंड। अभी इसे हम क्या करेंगे, फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए रख देंगे। अभी एकदम चिल्ड होने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हो। अभी इसको फ्रिज में रखने के बाद आप इसे सर्व कीजिए। ये देखिए अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ये अभी हमारा रेडी है। गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ा सा पिस्ता ले लिया था और थोड़ा सा केसर डाल दिया, देखिए कितना अच्छा स्मूथ, खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार इसको बनाकर देखिए और आपके अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।